अच्छे दिनों के इंतज़ार में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही दिन अच्छे थे। इज्जतदार होना मशहूर होने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिनती हवा मोहतात रहा करे। इब्ने आदम इतने फरमाबरदार है कि मोहब्बत अपनी मर्जी से करते हैं पर निकाह वालिदीन की मर्जी से करते हैं। खुदा उनसे नहीं मिलाए जिनका मिलना किस्मत में नहीं। ज़रूरी नहीं कि इंसान किसी लापरवाही के नतीजे में ही किसी को खोए। कभी कभी इंसान किसी अपने प्यारे का हद से ज़्यादा ख्याल रखते हुए भी उसे खो बैठता है। मेरे नज़दीक एतबार एक रूह की तरह है, जो एक दफ़ा चला जाए तो फिर कभी दोबारा नहीं आता। जो जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है उसे इतनी ही अज़ियत मिलती है, लिहाजा एहतियात कीजिए। मोहब्बत कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। मर्द हमेशा उस औरत के काबू में आता है जिसने बुरे वक़्त में मर्द का साथ दिया हो, जबकि मर्द को किसी ने मोहब्बत में दत्कारा हो और तुम उसका सहारा बनी हो। मर्द जब बोले कि मुझे कोई फिक्र नहीं तुम्हारी, और फिक्र भी करे तो समझ जाना कि वो तुम्हें बे इंतहा याद करता है मगर बताने से गरेज कर रहा है। हर रिश्ता कहीं न कहीं मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी न कभी बरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय इश्क़ हकीकी के। जो औरत शोहर के मर्ज़ी की बजाय अपने मायके की मर्ज़ी के मुताबिक चले, वो अपना घर बर्बाद कर देती है। जिस औरत के चेहरे पर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो तो समझ जाना कि उस औरत के साथ चेहरे का मसला है। उसको चाहिए कि रोज़ाना सुबह खाली पेट पुदीने का पानी पिए।